टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में कल्याणी रविवार के दिन हर वार्ड में हर नगर सेवकों को ठाणे महानगर पालिका की तरफ से तीन तीन टीमें टीकाकरण के लिए दी जा रही हैं, यानी कि कुल 60 टीमें कल मुमरा कौसा में टीकाकरण के लिए मौजूद रहेंगी। और आपको बता दें कि इसके अलावा मनपा ने टीका न लगाने वाले दुकानदारों पर भी आज कार्रवाई की है। मनपा का कहना है कि जो भी दुकानदार टीका नहीं लगवाएगा उसकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि मुमरा कौसा में जो ठाणे महानगर पालिका में रिकॉर्ड है उसके मुताबिक टीका लगवाने में महिलाएं काफ़ी पीछे हैं, और महिलाओं का जैसे कि स्कूल, बाजार या सोने चांदी की जो दुकान है यहां पर महिलाओं का आना जाना काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऐसे में वैक्सीन लगवाना काफ़ी ज़रूरी है, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, हर किसी को वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। वैक्सीन लगाना इसलिए ज़रूरी माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सरकार भी सख्त रवैया अपनाई है और लोगों से वैक्सीन लगवाने के लिए अब काफ़ी जो है जोर दिया जा रहा है कि लोग वैक्सीन लगवाएं। हालांकि कुछ लोगों में वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरह की बातें हैं, कुछ लोगों में डर बना हुआ है, मगर इसीलिए बॉम्बे कॉलोनी गरीब नवाज मस्जिद के इमाम साहब आरिफ मोहम्मद सज्जाद और सुन्नी जामा मस्जिद के इमाम साहब अताउल्ला कादरी साहब ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है क्योंकि ये वैक्सीन काफ़ी सुरक्षित मानी जा रही है और ऐसे में वैक्सीन लगवाने से कोरोना का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। वहीं आज मनपा अधिकारी धनंजय गोसावी और सागर सालुंके ने मुमरा कौसा के तमाम दुकानदारों के पास जाकर उनके टीकाकरण का जो सर्टिफिकेट है उसकी जांच की। जो दुकानदार टीका नहीं लगवाए हैं उन दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। मनपा अधिकारी ने बताया कि कल रविवार का दिन है और रविवार के दिन ही बड़ी संख्या में मुमरा कौसा में यानी कि 60 टीमें लगाई गई हैं टीकाकरण के लिए, और लोगों से अपील की जा रही है कि लोग बढ़ चढ़कर रविवार के दिन टीका लगवाएं। वहीं मनपा ने साफ तौर पर कहा है कि जो दुकानदार हैं वो दुकान खोलते हैं, अगर जो दुकानदार टीका नहीं लगवाए हैं उनकी दुकानें सील कर दी जाएंगी। सभी को टीका लगवाना जरूरी है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि मस्जिद के इमाम साहब अताउल्ला कादरी साहब और आरिफ मोहम्मद सज्जाद साहब ने लोगों से वैक्सीन लगवाने के लिए क्या अपील की है, उसके बाद आपको सुनाएंगे कि मनपा अधिकारी धनंजय गोसावी ने जो दुकानदार टीका नहीं लेंगे और दुकान खोलेंगे उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, वो आपको सुनाते हैं। मैं मौलाना अताउल्ला कादरी, खतीब व इमाम सुन्नी जामा मस्जिद मुमरा, ज़िला थाना, अपने तमाम कौसा और मुमरा के बाशिंदगान से, रहवासियों से, यहाँ कयाम करने वाले रहने वाले लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि वैक्सीन जिसका लेना इस वबा के दफा के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और मेरी गुजारिश है कि जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द ले लें। ख़ास तौर से अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि इस तरफ तवज्जो दें और वैक्सीन ले लें, ताकि इस कोरोना जैसी वबा मर्ज़ और बीमारी से घर के तमाम अफराद महफूज रह सकें। ख़ास तौर से 19 दिसंबर बरोज़े इतवार को कौसा मुमरा में ख़ास अहतमाम वैक्सीन लगाने का किया गया है। कोशिश करके जिम्मेदारी को समझते हुए, बल्कि वैक्सीन लगवाने के लिए आप अपने वक्त की थोड़ी कुर्बानी देते हुए उस दफ्तर या जगह पर पहुँचें जहाँ इसका इंतज़ाम किया गया है, और ज़िम्मेदारी के साथ माँ, बहनें और घर के दीगर अफराद लगवाने की भरपूर कोशिश करें। मैं क़ारी मोहम्मद सज्जाद, ख़तीब व इमाम गरीब नवाज मस्जिद मुमरा, मुझे कहना ये है कि ये वैक्सीनेशन के ताल्लुक से जो ये वैक्सीनेशन का काम चल रहा है,
ये एक तरह से फ़ायदा मंद है। हर एक को वैक्सीन लगाना चाहिए, लगवाना चाहिए, इसलिए कि इससे पहले मैं भी सोच रहा था कि वैक्सीन पता नहीं इससे क्या ख़राबी, इसकी क्या ख़राबी सामने आएगी, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों डोज लगवा लिया है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत कम तादाद में वैक्सीन लगवा रही हैं, लिहाजा डरने की कोई बात नहीं है। ख़वातीन से गुजारिश है कि वो भी वैक्सीन लगवाएं और मुकम्मल तौर से जो है इसका पालन करें। 19 दिसंबर यानी कल जो है हर उम्रा के हर इलाके में हर जगह जो है कैंप लगने वाला है, इसलिए इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। आप जाएं और वैक्सीन लगवाएं, आपका कोई वक्त इसमें ज़ाया नहीं होगा। जो भी आधा घंटा जो है आपका वक्त लगे, आप इसको बर्दाश्त करके वैक्सीन लगवाएं। कार्रवाई की गई है, क्या विषय है, कैसा है कि थर्ड लॉट आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपने मुमरा में टीकाकरण जो करना है बहुत ज़रूरी है, और परसेंटेज में मुमरे का टीकाकरण बहुत कम है, खास करके लेडीज। तो अभी ये टाइम है लेडीज को भाजी बीजी सब्जी वब्जी सब बाहर निकलने का। तो अपने को अपन पूछ रहे भाई, नहीं लिया तो कल अपना कैंप भी है, 60 प्लेसेस अपन फाइनल किया है कि वो उधर जाके कम से कम टीकाकरण तुम ले लो, कि लोगों को मन में लंबा है, नहीं मिलता है, लाइन बड़ी है, ऐसा जो बहाना करते थे। अभी तो अपन उनके हर वार्ड में चार चार पाँच पाँच कैंप दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुमरा लोगों का टीकाकरण होने के लिए। ये अपन अवेयरनेस के लिए सब कर रहे हैं और लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। दुकानदारों को क्या इंस्ट्रक्शन दिए? वैक्सीनेशन नहीं रहेगा तो दुकान सील करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन, और जो कस्टमर आता है उनको भी उनका काम है, सोशल डिस्टेंसिंग तो रखते नहीं है, वो सोशल डिस्टेंसिंग रखना, टीकाकरण हो गए कि नहीं वो देखना, ये सब जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका पालन करके तुम धंधा करो, ऐसा हमारा ये सब।